तो घर में जो पैसा आता है, घर से जो पैसा आता है वहाँ पापा देते हैं, उसके साथ साथ में कौन देती है? हाँ, देखिएगा मम्मी का प्यार कितना होता है। मम्मी जी टोंगा में बांध कर रखती है। टोंगा किसे कहते हैं? साड़ी के फॉल से। अच्छा, ये कह रहा है सब कि सड़िया के कोनवा में बांधती है, सही बात है। अच्छा, मम्मी पैसा दे दी, उसके साथ साथ में पैसा कहाँ से आता है? हो सकता है आपका कौन दे दे? भैया दे दे, या कभी कभी आप लोग जब घर से निकलते होंगे तो भाभी जी आपको कहते होंगे कि लो हो न... भाभी भी देती होंगी पैसा? भाभी देती हैं कि नहीं देती है ना? भाभी जी पैसा देती हैं, अगर नहीं देती होंगी तो भविष्य में आप कभी भी भाभी बनिएगा लोग? का भविष्य में भौजाई ना बन बजा? अवश्य नहीं कहना है, ठीक है। आ जब आप लोग भौजाई बन जाइएगा, आप लोग जब आपका देवर पढ़ने जाए या आपकी ननद पढ़ने जाए तो उसको पैसा दीजिएगा, जाओ भाई जात बाड़ू, हाँ आ जात बाड़ा ताई पैसा ले ले जा, ठीक है। तो ऐसे भाभी बनना है, ठीक है। अब देखिए ये जो पैसा आ रहा है, पैसा का स्रोत एक जगह से है? नहीं, अलग अलग जगह से आ रहा है पैसा। कहो मामा घर चले गए, मामा घर गए तो मामा जी के जौन मैडम है मामी जी, हाँ मामी जी दाल बांधी हैं, हलो भगना डेरा में जात बाड़ो दाल लेके जा, का दी हैं दलिया दी हैं कि ना? दलिया दी हैं कि नहीं क्या है? ओकरे बाद में तू गई फुगा घर, फुगा घर गई ल तो फुगा जी लौकी थमा दलक, फुगा जी बोड़ा थमा दलक, हाँ घेवड़ा। ये अलग अलग सब्जी अलग अलग जगह से आ रहा है कि नहीं? क्या एक जगह से आपका सामान आ रहा है? पैसा कहीं और से आ रहा है, सब्जी कहीं और से आ रहा है। का कहत रह हो बाबू, का कहत रह? चलो उसी तरह से वही तरह भारतीय जब संविधान लिखल जात रहे, भारतीय संविधान जब लिखात रहे तो लिखे के दौरान बहुत से विद्वान इधर उधर सब घूम रहा था कि कौन सा देश का संविधान कैसा है, कौन से देश के संविधान में कैसा नियम कानून है। उसी दौरान देखा गया कि अमेरिका के संविधान में तो प्रस्तावना है, तो लोगों ने सोचा कि जब अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है तो भारत के संविधान में प्रस्तावना क्यों नहीं होना चाहिए। और प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का कौन सी विचार, यह लिया गया कहाँ से? विदेश से। तो क्वेश्चन कर देंगे, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? विदेश से। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, ये सब है कि नहीं है? ये प्रस्तावना की क्या है? क्या है? भाषा। ये जो भाषा है प्रस्तावना के अंदर क्या होना चाहिए, यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
तो क्वेश्चन कर देंगे, प्रस्तावना में जो भाषा का वर्णन किया गया है वह भाषा किस देश से लिया गया है। प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में न्याय की बात किया गया है, जस्टिस की बात किया गया है, न्याय। और कितने प्रकार की न्याय? तीन प्रकार की न्याय। कैसा कैसा न्याय? तो सामाजिक न्याय। कौन न्याय? सामाजिक। कौन न्याय? आर्थिक न्याय। कौन न्याय? राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, और ये तीनों प्रकार के न्याय किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया सोवियत संघ से लिया गया। कौन देश से लिया गया? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ बोले तो अभी वर्तमान में रूस है। चलिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? किससे देश से लिया गया है? उसके बाद हमारे जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में समानता, और प्रस्तावना में बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये तीन शब्द लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। ये स्रोत हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मामा घर से दाल, फुआ घर से लौकी, या घरे से पैसा, वही तरह भाषा, ऑस्ट्रेलिया से विचार, अमेरिका से न्याय, अलग अलग जगह से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। चलिए लिखिए, प्रस्तावना पहला पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, बोलें अगला लिखिए, प्रस्तावना में वर्णित भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला लिखिए, ऑस्ट्रेलिया में वर्णित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। अगला लिखिए, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व
के आदर्शों के आदर्शों स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। हो गया। चलिए हेडिंग लिखिए, प्रस्तुत प्रस्तावना का प्रस्तुतीकरण। हेडिंग लिखिए प्रस्तावना का प्रस्तुतीकरण। हो गया। प्रस्तावना के प्रस्तुतीकरण की बात की जाए कि जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ये जो प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, कब कहाँ कैसे प्रस्तुत किया। मेला जीवा कि ना आज मेला जाना है। मेला पैसा बड़ी लेला। पैसा कौन कौन लेगा मेला करने के लिए? इसमें से सब कोई खुददार व्यक्ति है। खुददार उसे कहते हैं, ये लोग सोच रहा है कि हाँ पैसा हम अपने बाप से लेंगे, अपने बाबूजी से लेंगे, रहुए तो गुरुजी हैं, रहुए से कह ली पैसा दे देते जी, मेरे पास पैसा ज़्यादा है। कहले के बाद में पैसा हम नहीं देते हैं, शुरुआत में पैसा देंगे। चाइनीज दिमाग है, खराब हो गया। थोड़े देर पहले ठीक था, पैसा देने के लिए तैयार थे, बदल गया मूड। पैसा दे देम तो का किनब ओ राजा, बड़ी हंसत रह तू। कथी नाम बतैले रहने हो? आशीष। हाँ बोला आशीष, तू का खरीदब पैसा दिया जी तोरा तो? भूजा पकौड़ी। वो कर देगा भूजा पकौड़ी। तुमको पैसा दिया जाए तुम क्या खरीदोगी? नहीं कुछ, तो इसको पैसा देना बेकार है। ये पैसा से नहीं कुछ खरीदेगी ना, जानते हो, पैसा बचा के रखेगी। अभी कुछ देर पहले बोले ना कि आने वाले भविष्य में भाभी बनेगी, अपने ननद या देवर को पैसा देगी कि हला हो जा तरह पढ़े ला पैसा। देवरा कहाँ जाई पढ़े? बताओ, ये सब याद बा, देवरा पटना जाई पढ़े। अबे बिहान पूछ देम नू कि कुंजी के कहल जला प्रस्तावना के, तो भूलो भूला जाई। बताओ, देवरा पटना जाई पढ़े। है ना? सुनो, ये बताओ कहिया के गाना आयल बा? ये याद बा? 4 दिन पहले ही पढ़ी ले बानी, ये भूला गिल हुई है, अला भूला गिल हुई। बताओ प्रस्तावना को कौन प्रस्तुत किया? 4 जना बोलत रहो, बाकी सब भूला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किया। कहिया किया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। किसके सामने प्रस्तुत किया? लोगों के सामने। देवरा कहाँ जी पढ़े? याद बा?
आ पढ़ले रही संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। ये लोग भुला जाता, ये लोग भुला जाता। देवरा पटना जाए, आई बिहार ना याद आता नो तो देवरा के दिल्ली भेजे, बिहार ना याद आई नो तो देख कहाँ भेजतनी हम। संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया प्रस्तावना को, कब किया? 13 दिसंबर। कौन किया? ये जो प्रस्तावना है इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया कि नहीं किया? दिसंबर में प्रस्तुत किया है, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को क्या किया? स्वीकार किया। चलिए लिखिए, देखिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के तीसरे बैठक में, संविधान सभा के तीसरे बैठक के दौरान, तीसरे बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, प्रस्तावना को प्रस्तुत किया और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना स्वीकार किया गया। कोई आया है क्या? ठीक है, हो गया। किसने प्रस्तुत किया पता चल गया? कौन किया? कब किया? बैठक कौन सा था? याद हो गया? घर जाकर पढ़ने की आवश्यकता होगी? नहीं ना। हाँ, वीडियो बना लो जी। अच्छा, अगला हेडिंग लिखिए, प्रस्तावना की मुख्य बातें, प्रस्तावना की मुख्य बातें। हो गया, इसको लिखेंगे कल लेकिन समझेंगे आज। देखिए प्रस्तावना की मुख्य बातें, प्रस्तावना में लिखा है ना, ध्यान से समझिए, प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, कहाँ के लोग? हम भारत के लोग, ध्यान दीजिएगा और घर जाइएगा तो डायग्राम बना लीजिएगा। हम भारत के लोग में हम अकेले हैं? भारत के सभी लोग हैं। प्रस्तावना कह रहे हैं हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे। हर एक शब्द का अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत को कैसा देश बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद हम लोग भारत को समाजवादी देश बनाएंगे। हम लोग भारत को समाजवादी देश बनाएंगे। समाजवादी देश बनाने के बाद हम लोग पंथ निरपेक्ष देश बनाएंगे। पंथ निरपेक्ष देश बनाएंगे। हम लोग लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। हम लोग गण राज्य बनाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए कि नहीं बनाए? अगर क्वेश्चन कर देगा प्रस्तावना में भारत को कैसा बनाने की बात किया गया है, कैसा बनाने की बात किया गया है, कहेंगे सर जी ऐसा बनाने की बात किया गया है। ये मत कहिएगा मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। कौन बोलता है ये? अजय देवगन। एक गाना आया था ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो भारत कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? कल पूछेंगे भारत कैसा देश बनेगा तो बताना है ऐसा। ऐसे ही रट ले तो मजा आ जाए ना जी। भारत कैसा देश बनेगा? ऐसा देश बनेगा। संपूर्ण प्रभुत्व समाज पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए। अब सवाल उठता है ए सर भाई देवरा कहाँ पढ़ने गया है? अब पटना पढ़ने गया तो होशियार बनेगा कि नहीं बनेगा? होशियार बनेगा तो क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्वेश्चन किया देवरा ए सर भाई भारत ऐसा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, काहे बन रहा है सर? हम लोग भारत को ऐसा क्यों बनाएंगे? हम लोग भारत को समाजवादी देश क्यों बनाएंगे? हम लोग भारत को पंथ निरपेक्ष, हम लोग भारत को लोकतंत्र क्यों बनाएंगे? भारत को गौण राज्य क्यों बनाएंगे? प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि नहीं है? तो कहता है हम लोग भारत को ऐसे इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या मिले, क्या मिले? न्याय मिले। भारत को हम लोग ऐसे इसलिए बनाएंगे कि भारत को न्याय मिलना चाहिए। भारत में भारत के लोगों को क्या मिलनी चाहिए? यानी कि भारत को हम लोग ऐसे इसलिए बना रहे हैं कि भारतीय लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। सवाल का जवाब मिल रहा है कि नहीं? किसको मिल रहा है? बहुत गौर से सुन रहा है जी। किसको मिल रहा है बबुआ? हाँ देवरा को मिल रहा है जवाब। वो पूछा है कि भारत को सर जी ऐसा क्यों बना रहे हैं तो भारत में लोगों को क्या मिले, क्या मिले? स्वतंत्रता मिलेगी। भारत को ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भारत में क्या मिलना है, क्या मिलना है? समानता। तो भारत में क्या क्या मिलेगा? न्याय, स्वतंत्रता और ये तीनों तभी मिलेगा जब हम लोग भारत को ऐसे बनाएंगे। कैसे? ऐसे। हाँ वो कह रहा है ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये तीनों तभी मिलेगा जब भारत को ऐसे बनाएंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सभी नागरिकों को न्याय दिलाएंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे और तो सर ये न्याय दिलाएंगे तो न्याय कितने प्रकार की? बोलिए बच्चों।
तीन प्रकार की न्याय, कौन कौन न्याय? सामाजिक न्याय, और ये तीनों न्याय किस देश से लिया गया है? इतना जल्दी भुला गए, 5 मिनट पहले पढ़ाए हैं। कहाँ से? रूस से लिया गया है कि नहीं, सोवियत संघ से लिया गया है कि नहीं? तो कह देगा प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का वर्णन, कौन कौन न्याय? क्वेश्चन करते हैं प्रस्तावना में कौन सी न्याय की बात नहीं की गई है, तीन को दे देगा, एक दे देगा सांस्कृतिक न्याय, कौन होगा? सांस्कृतिक न्याय। चलिए क्वेश्चन बताइए, पूछ रहे हैं हम, प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? ए में सामाजिक, बी में आर्थिक, सी में राजनीतिक, डी में धार्मिक। जब तीन को याद होगा तो बाकी सबको आँख बंद करके मार देंगे, छांट लेंगे। यार मार काट करने में आगे जी, कहाँ कर तुम्हारा दोन जंगली है, ऐसे ही तुम लोग बोलो जंगली है, अबे मार देगा धो जाएगा ये में जंगली है। अरे मार काट नहीं करना है भाई। चलिए स्वतंत्रता की बात करें, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, कौन कौन स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कह देगा हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5, कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 सब अलग अलग अर्थ बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। समानता की बात करें तो हमारे प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात किया है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा। कैसी समानता? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। चलिए ओ सखी लोग, ना लिखाए बोलेम कि ना बोलेम, समझैले के बाद हम ना लिखवाएंगे। अब याद कर लीजिएगा महाराज, सुनते सुनते याद हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जब खोपड़िया में लिखा जाएगा तो कॉपिया कोई महत्व है? तो बताइए कॉपिया में लिखने की ज़रूरत है कि खोपड़िया में? कहाँ लिखने की ज़रूरत है? कॉपी में, खोपड़िया में लिखो, खोपड़िया में। मतलब बताओ कितने प्रकार की समानता का वर्णन, स्वतंत्रता का वर्णन, न्याय, भारत को कैसा देश बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ध्यान दीजिएगा ये क्रम कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पहले कौन सा आता है तथ्य, ठीक है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, उसके बाद गणराज्य। समझ गए? चलिए जाइए आप लोग मेला में इंजॉय कीजिए लोग, ठीक है? हाँ, आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आयुष एकेडमी परिवार की ओर से। रुक जाइए, पहले 2 मिनट रुक जाइए आप लोग।